आदरणीय श्री अनिल सिंगर जी, अप कंट्री हेड मार्केटिंग दैनिक जागरण आदरणीय श्री दीपक मिश्रा जी। मैं चाहूंगा कि ग्रुप फोटोग्राफ वहीं पर हो जाए, जो हमारे ऑफिशियल फोटोग्राफर्स हैं केवल वही फोटोग्राफ क्लिक करेंगे, बाकी सारे लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आप तक का आपके माध्यम से दैनिक जागरण आपकी ऊर्जा की परीक्षा है। आपके मुखिया यहाँ पर बैठे से पुराने स्तंभों में से एक है। आइए माँ सरस्वती का स्तमन करें, माँ भवानी का स्तमन करें और भगवान श्री गणेश की प्यारी सी प्रस्तुति किड्स डेली स्कूल के बच्चों की तरफ से एक बार जोरदार तालियां हो जाए। शुक्ला जी ने एक शानदार भजन के माध्यम से भगवान श्री राम श्री गणेश खुदा परवरदिगार वाहे गुरु जीजस को याद करते हुए ताकि वो हम सभी पर अपनी रहमत अपनी दुआएं और अपना प्यार बनाकर रखे। आइए बढ़ते पहले से भजन की तरफ। Thank you.
सरकार के यशस्वी मंत्री महोदय से सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं देते हुए हमारे इस पल को आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारे सांसद महोदय, हमारे पत्रकार महोदय भी इस पल से गुजरे हैं। इन बच्चों की खुशी का इस समय ठिकाना नहीं होगा। इन बच्चों की खुशी में भी अपनी खुशी ढूंढिए और एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग बजाइए। एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मैं चाहूंगा कि प्लीज आप इस बच्चे नीचे आ जाओ, बच्चे नीचे आ जाएंगे। गुरुकुल गोल्ड स्कूल फरुखाबाद के जितने भी बच्चे हैं प्लीज स्टेज पे आ जाए। स्टेज के उल्टे हाथ से आप आएंगे। गुरुकुल गोल्ड स्कूल फरुखाबाद, थैंक यू सो मच बेटा, प्लीज अब आप अपना स्थान वापस ग्रहण करें, कार्यक्रम को एंजॉय करें। गुरुकुल गोल्ड स्कूल फरुखाबाद, सारे बच्चे स्टेज पे आ जाएंगे जल्दी जल्दी।
और उनका स्वागत अभिनंदन। ये वो लोग हैं जिन्होंने शिक्षा को व्यवसाय नहीं बल्कि शिक्षा को सेवा माना है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की। सीपी इंटरनेशनल स्कूल से डॉक्टर विनोद शर्मा जी, प्रधानाचार्य डॉक्टर विनोद शर्मा जी से मैं चाहूंगा कि आप प्लीज मंच पर आ जाएं और एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आप सभी लोग मंच पर ही रुकेंगे। सीपी विद्या निकेतन कायमगंज के प्रधानाचार्य श्री आर के वाजपेयी जी, कृपया आप मंच पर आ जाए। सीपी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री योगेश तिवारी जी, कृपया आप मंच पर आ जाए। एक बार तालियां आप सभी की लगातार मंच पर पहुंचती रहनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने शिक्षित समाज का सपना देखा, उसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा को व्यवसाय नहीं शिक्षा को धर्म मानने वाले हमारे सभी विद्यालयों के प्रबंधकों को हम सम्मानित कर रहे हैं। सीपी इंटर कॉलेज के बाद जयपुरिया स्कूल बरौन के प्रधानाचार्य श्री आरिफ अली जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा आप मंच पर आ जाए। बद्री विशाल डिग्री कॉलेज फरुखाबाद के प्रबंधक श्री विनोद दुबे जी, तालियों के साथ आप सभी लोग अपने अपने कॉलेजेस अपने अपने गुरुकुल का सम्मान करेंगे। चौधरी पंचम सिंह महाविद्यालय सखवाई से श्री प्रवीण यादव जी, बीआर कॉलेज ऑफ फार्मेसी मोहम्मदाबाद के प्रबंधक आदरणीय डॉक्टर गौरव यादव जी, कृपया आप मंच पर आ जाए। राजपुताना पब्लिक स्कूल फरुखाबाद श्री हितेश कुमार सिंह जी, माउंट लिटेरा पब्लिक स्कूल फरुखाबाद से श्री लकी चावला जी, श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल फरुखाबाद के चेयरमैन श्री रमेश राजपूत जी, प्लीज आप मंच पर आ जाए अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। सेंट पॉल हिंदुस्तान विश्वगुरु बन सकता है, सपने को साकार कर रही है। आरएस इंटरनेशनल स्कूल फरुखाबाद के डायरेक्टर श्री डी एस राठौर जी, बीपी अग्रवाल शिक्षा निकेतन याकूबगंज के प्रधानाचार्य श्री विशाल अग्रवाल जी, ऑल सेंटर स्कूल फरुखाबाद के श्री कैलाश मिश्रा जी, आप जिनका भी सम्मान कर रहे हैं वो कृपया मंच पर ही रुकेंगे ताकि एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हम कर सके। लॉरेटो पब्लिक स्कूल फरुखाबाद के प्रबंधक डॉक्टर गोविंद मिश्रा जी, ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन फरुखाबाद के डायरेक्टर श्री अनुज चौहान जी, निम्स क्लासेस फरुखाबाद के डायरेक्टर श्री जितेंद्र कटियार जी, निम्स क्लासेस फरुखाबाद के डायरेक्टर डॉक्टर दिव्या शुक्ला जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप ये सम्मान ग्रहण करें। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी से, स्वरूप क्लासेस भोलेपुर के डायरेक्टर श्री महेंद्र पाल सिंह जी, एच ए एच रहमानी गर्ल्स कॉलेज के डायरेक्टर श्री मुजफ्फर हुसैन रहमानी जी, मदर्स प्राइड स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती नीतू लांबा जी। तो ये हमारे प्रबंधक हमारे प्रिंसिपल्स एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जो आपको ये फुटकर में तालियां बजाना अच्छी बात नहीं है, पूरा सदन एक बार तालियां बजाए प्रबंधकों के लिए प्रधानाचार्यों के लिए जिन्होंने एक ऐसा माहौल दिया। हम सब किसी भी धर्म से आए किसी भी जाति से आए हम सब विद्यार्थी रहे हैं या फिर विद्यार्थी हैं, शिक्षा के महत्व को समझिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस सपने पर हिंदुस्तान को लेकर जाना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जिस सपने पर हिंदुस्तान को लेकर जाना चाहते हैं उनके साथ आएंगे। एक ग्रुप फोटोग्राफ, एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हमारे इस ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायकगण, हमारे जिलाध्यक्ष जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर ही रोकना चाहूंगा। आप सभी अतिथियों से क्षेत्र के यशस्वी
देखा अगर बातचीत कर दो तो कुछ कहता हूँ बंद हो जाएगी तो कुछ कह पाऊंगा और बदनाम तो मेरे ख्याल महिला यही है पुरुष ज्यादा बात कर रहे तो इस क्षेत्र के यशस्वी सांसद मुकेश जी राजपूत इस फुर्दाबाद के सदर के विधायक मेजर साहब सुनील दत्त शर्मा जी सुनील दत्त त्रिवेदी जी विधायक राठौर साहब जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रूपेश जी इस शहर के उपस्थित गणमान्य नागरिकगण विभिन्न कॉलेजों के संचालकगण शिक्षक शिक्षिकाएं प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं दैनिक जागरण और उसकी सहयोगी संस्थाओं को जिन्होंने ये आयोजन आयोजित किया है उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उन प्रतिभाओं का सम्मान किया है जो इस देश की भावी भविष्य है बल्कि उनके परिवार भी सम्मानित हुए हैं उनके विद्यालय भी सम्मानित हुए हैं तो जहां रहते हैं वो बस्तियां सम्मानित हुई है और ये शहर सम्मानित हुआ है मित्रों दैनिक जागरण एक अखबार है ये बात सही है लेकिन सामाजिक सरोकारों से भी संबंध रखता है यह भी एक कार्यक्रम सिद्ध करता है जब कहीं किसी प्रतिभा का सम्मान होता है या प्रतिभा सम्मानित होती है तो न सिर्फ उसको सम्मान मिलता है कुछ कर नहीं पाए और उसको हमने अपने श्रम से पा लिया जुआड़ से नहीं दो तरह से हम कई अचीवमेंट करते हैं जुआड़ से करते श्रम से देखिए कोई भी राष्ट्र राष्ट्रभक्ति के बिना नहीं रहता और राष्ट्रभक्ति क्या है ये नहीं कि जो मोर्चे पे लड़ रहा है हमारे लिए हमारे को आज यदि हम जिंदा है तो वो अपना कल निछावर कर रहा है अपना आज निछावर कर रहा है वही राष्ट्रभक्ति नहीं है वो नमन है उसका बंधन है उसका लेकिन ये जान लीजिए आप लोग जहाँ जाएंगे कहीं भी जाएंगे कुछ ना किसी सामाजिक जिम्मेदारी पर रहेंगे उस सामाजिक जिम्मेदारी को जो आप ले ये समाज आपको दे उसका ईमानदारी से निर्वहन करें ये मैं आपको बताना चाहता हूँ यही राष्ट्रभक्ति होगी यही व्यक्ति निर्माण का प्रथम चरण है मैं